नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी और एक खास खबर। देश विकास तो कर रहा है लेकिन किस दिशा में? आज भी लड़कियों की स्थिति देश में जस की तस बनी हुई है। हालांकि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, पढ़ाई और विकास को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे तो किए जाते हैं, परंतु समस्या पहले जैसी ही है। आज भी लड़कियों के पहनावे को लेकर रोक लगाई जाती है और ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की छोटी सोच की भेंट चढ़ गई। लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वह जींस टॉप पहनना चाहती थी, परंतु उसके चाचा और दादा को यह बात पसंद नहीं आई। लड़की के पिता अमरनाथ पासवान लुधियाना में मजदूरी का काम करते हैं। मृतक लड़की की मां शकुंतला देवी परिवार के साथ लुधियाना रहती थी, जहां पर लड़की ने जींस टॉप पहनना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह अपने पैतृक गांव लौटी तो चाचा और दादा ने उससे सलवार सूट पहनने के लिए कहा, जिस पर लड़की ने मना कर दिया और लड़की के इसी जवाब ने आग में घी का काम शुरू किया। लड़की के दादा और चाचा ने लाठी लेकर लड़की की पिटाई करनी शुरू कर दी और तब तक जब तक उसकी मौत न हो गई। लेकिन परिजनों का कहना है कि चाचा और दादा के साथ हाथापाई के दौरान लड़की दीवार से टकरा गई। दरिंदों को मासूम पर तरस न आया और इलाज के नाम पर उसे अस्पताल लेकर उसे घर से दूर ले गए। दादा और चाचा ने बच्ची के शव को पटनवा पुल से नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन शव पुल की ग्रिल में फंस गया, जहां पर शव कई घंटों तक लटका रहा। आने जाने वालों की नजर जब उस पर पड़ी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राममोहन सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और हत्या में शामिल आरोपी मृतक लड़की के दादा परमहंस पासवान, दादी भगनी देवी, चाचा अरविंद और टेम्पो चालक हसदेन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो और ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कंचन टीवी न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।